बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3B, चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे IP, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि एड्रेसिंग। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेसिंग क्या होती है, 3.6.1 आर्टिकल है, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे कि पहले हम ये पढ़ते हैं, दोबारा से देखते हैं कि IP एड्रेसिंग होती है। स्टूडेंट, आपने नॉर्मली देखा है कि आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। अब देखिए, कोई डेटा जो आपके पास आना हो, वो एग्जैक्ट आपके पास कैसे आता है, ये सब इन्हीं IP एड्रेसिंग की वजह से होता है, ठीक है। आपने एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करना है, तो जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल से हम बात करें कि आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा सेंड करना है, तो ऑफ कोर्स आपके पास उसका क्या होना चाहिए, या तो व्हाट्सअप हो, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ताकि आप उसको क्या कर सकें, सेंड कर सकें, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, आपके पास इसी तरह मोबाइल नंबर क्या, एक तरह लेट्स सपोज वो एक आपके पास IP एड्रेस है, ठीक है। आपके पास जिस तरह जब भी कोई डेटा एक सेंडिंग डिवाइस से आपके पास यानी कि रिसीव कर रहे हैं, या रिसीव से आपने दोबारा सेंड किया है, या आपके पास कोई भी प्रोसेस है, तो वो आपके पास किस तरह आता है। सबसे पहले लेट्स सपोज एक पिक्चर है, वो आपने आगे सेंड करनी है, सबसे पहले वो स्टूडेंट किस में कन्वर्ट होती है, बाइनरी में, फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, पैकेट में, और फिर वो एड्रेसेस एलोकेट करके वो उस एग्जैक्ट डिवाइस तक पहुँच जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम करते हैं आपके कंप्यूटर में, तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, IP एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि ये IP एड्रेस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट देखें, आपके पास IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक आता है IPv4 और एक आपके पास आता है IPv6। स्टूडेंट, ये जो IPv4 है, ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, ये हम पहले यूज़ करते थे। जाहिर सी बात है कि बाय द टाइम, जिसमें कंप्यूटर में बहुत सारी चेंजिंग आई, बाय द टाइम वो चेंज होते गए, और इसी तरह अब जो है वो लेटेस्ट जो यूज़ हो रहा है वो IPv6 है, ठीक है। आपके पास ये जो IPv4 है स्टूडेंट, ये बहुत ओल्ड यूज़ होता था। स्टूडेंट, इससे पहले हम थोड़ी सी और देखते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में एक स्टैटिक और डायनेमिक बताई थी, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था स्टैटिक को क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। देखें स्टूडेंट, देखें आपने क्या करना है, नेट से कनेक्ट होना है, ठीक है। आपके पास जाहिर सी बात है कि आपने एक वो डेटा सेंड करना है, ठीक है। आपने जब भी आपने अटैच करना है, तो आपके पास क्या होता है कि आपने सर्वर जो है वो आपको नया IP एड्रेस देता है। जब हमने फर्स्ट टाइम काम किया तो IP एड्रेस मिला, हमने उस पर काम किया, आप स्विच ऑफ हुए, दोबारा आपने ऑन होंगे, तो वो भी आपको नया IP एड्रेस देगा। जब इस तरह हो वो आपको नया एड्रेस हो दे, तो वो होता है डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आपके पास एक ही IP एड्रेस वो बार बार आपको उसी पे काम करने का दे, तो हम कहते हैं ये क्या है, स्टैटिस्टिक। जैसे मोबाइल फ़ोन नंबर देखें, आपके पास से एक ही है, तो आप उसी पे दोबारा दोबारा मैसेज करते हैं ना, तो वो आपके पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्टैटिक। और डायनेमिक क्या होता है, जब आपको डिफरेंट IP एड्रेस दिए जाते हैं। आगे हमने मैंने भी बताया कि उसकी दो टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम इन दो टाइप को ज़रा ब्रीफली देखते हैं कि वो कैसे काम करती हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो सबसे पहले IPv4 है, ठीक है, ये कितने ग्रुप्स में होता है, ये आपके पास 4 ग्रुप्स में होता है, जो कि बाय कॉमा सेपरेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कितने बिट बनाता है, हर ग्रुप में कितने बिट्स होते हैं स्टूडेंट, 8 बिट होते हैं, ठीक है। 8 बिट का मतलब है 0 और 1। आपको पता है कि बिट्स का मतलब क्या होता है, 0 1, यानी कि 1 ग्रुप 1 में कोई भी 0 1 से मिक्स करके वैल्यू कितनी होंगी, आपके पास 8 होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में भी कितने होंगे, 8 होंगे, और इस तरह 8, और लास्ट में भी कितने हो जाएंगे, 8। स्टूडेंट, उसके अलावा आपके पास जिसके अंदर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर 0 से लेकर 255 तक। अभी हम पढ़ चुके हैं ये बाइनरी बेस्ड होते हैं, यानी बाइनरी का मतलब भी आपको पता है, बिट का मतलब 0 1 होता है, बाइनरी का मतलब भी क्या होता है, 0 1, ठीक है। आपको पता है कि आपके नॉर्मली कंप्यूटर भी अंडरस्टैंडिंग करता है 0 और 1 के, ये बाइनरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपके पास ये देखिए, आप यहाँ पर एक ग्रुप में क्या है, 32। आपने क्या किया, IPv4 इज 32 बिट एड्रेस,
अब ये क्या हो गया 32 बिट एड्रेस का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने बिट्स होंगे 32, यानी कि आप देखिए 4 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 8 से तो कितने आते हैं 32, 2 raised to power यानी बाइनरी की पावर जब हम 32 करेंगे तो स्टूडेंट ये तकरीबन 4 बिलियन से ऊपर एड्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, एड्रेसेस कैसे मिलेंगे आप स्टूडेंट, एड्रेसेस होते क्या है दोबारा मैं एक दफ़ा दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। स्टूडेंट जैसे कि आप देखें आपके पास कोई कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, आपने कोई ग्रुप बनाया, आप उन 5 बंदे को आपका क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, आप उनको बताते हैं कि आपका ग्रुप ये है, आप इस पर चैट कर सकते हैं हम सब मिलके। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, आप देखें ये 4 बिलियन से भी अबव है, इसका मतलब है जब भी हम कोई कनेक्शन बनाते हैं तो हम कितने लोगों को अपना एड्रेस दे सकते हैं 4 बिलियन से। ठीक है, आपने 4 बिलियन तक लोगों को अपना एड्रेस दे सकते हैं, एट अ टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाय द टाइम चेंजिंग्स आती रहीं, आपका डेटा चेंज होता गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम चलने लगे, पहले लोग थोड़ा काम यूज़ करते थे नेट वगैरह, लेकिन अब देखें बाय द टाइम कितना यूज़ होने लगे इन चीज़ों के। ठीक है, आगे नेक्स्ट आप देखें, आगे नेक्स्ट जो आपके पास आता है IPv6 है, इसमें कितने 4 बिट्स यूज़ किए जाते हैं, आपके पास इसके कितने ग्रुप्स होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, उस 8 के अंदर कितने ग्रुप होंगे 4, ठीक है, 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 16, और आपको पता है कितने ग्रुप होते हैं 8, हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने ग्रुप बन गए 128 बिट्स, और ग्रुप कितने हो गए 8 ग्रुप्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, आप 2 की पावर 128 करेंगे तो स्टूडेंट ये उससे भी अबव चले जाएंगे, यानी कि बहुत ट्रिलियंस में चले जाते हैं, यानी कि आप इतने ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम आप दे सकते हैं। नॉर्मली देखते हैं अपने घर में भी कितने लोग एट अ टाइम नेट यूज़ कर रहे होते हैं, नेट की सर्विस को अवेल करते हैं, इसी तरह जब हम 2 की पावर 128 करेंगे बहुत ह्यूज अमाउंट आएगी, इसका मतलब है कि बहुत ह्यूज अमाउंट में लोग अपना डेटा ले सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो होता है ये हम डॉट के ज़रिए सेपरेट करते हैं, और आपके पास IPv6 जो है ये हम किसके ज़रिए शो करते हैं, आप सेपरेट करते हैं इसको कोलन के ज़रिए। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो होता है IPv6 होता है ये डेसिमल बेस्ड होता है, यानी कि ये डेसिमल में आपको पता है कि 0 से 255 होते हैं और ये इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट आपके पास IPv6 जो है ये बेस्ड होता है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर पे, आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा है, यानी कि आपकी 0 से लेकर आप लोग 9 तक होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स आते हैं ए से लेकर एफ तक, और आप ए की वैल्यू क्या देते हैं 10, बी की वैल्यू क्या देते हैं 11, फिर इसी तरह 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, आपके पास इसमें क्या होता है डेसिमल पे यानी कि हेक्साडेसिमल है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करवाते हैं और फिर आगे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जाहिर सी बात है आपका कंप्यूटर चाहे आपका डेसिमल हो चाहे स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल हो, आपको पता है कि आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है 0-1 की, यानी कि बाइनरी की अंडरस्टैंड करता है, इसीलिए वो दोनों को ही यानी कि आपकी इसको डेसिमल को भी और हेक्साडेसिमल को भी दोनों को कन्वर्ट करेगा किसमें स्टूडेंट्स बाइनरी में, और फिर आगे उसको ट्रांसफ़र करेगा। अभी मैंने बताया कि जब हम एक आईपी एड्रेस यानी कि आपने एक जगह से डेटा आगे भेजना है तो वो क्या होता है पहले उसको कन्वर्ट करता है किसमें बाइनरी में, फिर उसके पैकेट्स बनाता है, फिर उसे आईपी एड्रेसेस देते हैं और वो आईपी एड्रेसेस आगे मूव कर देते हैं। जब वो आपके सिस्टम में रिसीव होने लगता है तो स्टूडेंट ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानी कि सबसे पहले वो क्या करता है उसके पैकेट्स के आईपी एड्रेस तक आपके तक आता है, फिर वो आपके पास उन पैकेट्स को कन्वर्ट करता है किसमें बाइनरी में, और वो फिर आपको एज अ डेटा जो आपको जिस तरह मिलना होता है वो उस डेटा को आपको उस तरह दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं, यानी कि कितने बेस ग्रुप होते हैं, कौन सी होती हैं आपकी इसमें यूज़ किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें क्या है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसके कितने ग्रुप्स होते हैं, इसके 4 ग्रुप्स होते हैं और इसके 8, ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यानी कि MCQs के अकॉर्डिंग भी और एज अ लॉन्ग में भी। ठीक है, आप इसको एज अ लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही आ सकते हैं, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं IPv4 का और IPv6 का, आपने इनका डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी याद करना है और इसको सेपरेटली भी आप एज अ टॉपिक याद करेंगे डेफिनेशन। ठीक है,
स्टूडेंट्स आपके पास एक डू यू नो है, उसमें लिखा है आईपी वाज डेवलप इन द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये आपके किसने इन्वेंट की थी? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। ये सबसे पहले कब इन्वेंट हुई थी? 1998 में। ठीक है, यानी कि ट्रब आया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी बात, जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा आया वो कब आया था? 14 जुलाई 2017। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास इसकी क्या कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ से देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आईपी स्टैंड किस लिए होता है। ठीक है, आपने ये लाजमी याद रखना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जाती है यहाँ तक। ठीक है, आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को याद करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि DHCP यानी कि किसके लिए स्टैंड होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मैंने आपको बताया था डायनेमिक कौन सा होता है, डायनेमिक और स्टैटिक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये वो। उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर द टू स्टैंडर्ड टाइप ऑफ। ठीक है, आपके पास दो टाइप होती हैं, IPv4 और IPv6। ये आपको उसने बताया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि आपने किससे, कोमा से, यानी कि आप यूज़ करते हैं इसको डॉट से, और आपको ये क्या नीचे IPv6 किससे होते हैं? कॉलन से। ठीक है, आपने इस तरह सेपरेट करना है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपके पास ये वाली लाइन, ठीक है, ये एक डॉट वाली लाइन, और यहाँ से ये आईपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। IPv4 इज डिवाइडेड इन द फोर ग्रुप बाय डॉट, वेयर ईच ग्रुप कैन बी कंटेन डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर इट शोज द मैक्सिमम 8 bits आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4, इन टोटल 32 bits आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेसेस इन IPv स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ से ये सारी लाइंस जो मैंने आपको बताई हैं ये किसके लिए होंगी? IPv4 के लिए। स्ट्रेंड यहाँ पर आपके पास ड्यू टू द मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। ठीक है, यानी कि ये आपको पूछ रहा है, यहाँ पर वो ये बात ही आपको क्लियर करा है कि क्यों आपका ये रनिंग आउट हुआ, यानी कि क्या रीजंस थी। जाहिर सी बात है, आप बहुत डिवाइसेस यूज़ करते हो, वो आपका ऐसा शॉर्ट भी पूछ सकता है कि आपने क्यों IP एड्रेसेस 4 जो है वो नहीं यूज़ किया जाता ना, यानी कि IPv6 से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये आप ये लाइन भी याद करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ से IPv6 की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर ये सारा आप लिखते रहेंगे। इट शो इट कंसिस्ट ऑफ अ 128 bits एंड इन 120 IPv6 देयर द 8 ग्रुप सेपरेट बाय कोलन। यहाँ से एज शोन नहीं लिखना आपने, ईच ग्रुप कैन कंटेन अ 4 hexa digits टू स्टोर 1 or decimal digits। ठीक है, ये आपकी सारी लाइंस यहाँ तक सारा ही स्टूडेंट चला जाएगा। देखें ये आपके पास ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये पॉइंट्स एज अ MCQs और ये एज अ लॉन्ग में जब आप लिखेंगे IPv6 की, तो आपने सेपरेटली दोबारा ये लाइंस लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में ये जो आपका डू यू नो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास इसमें 3 तरह के MCQs आ रहे हैं कि ये कब डिवेलप हुई, ड्राफ्ट कब हुई, और उसके पास ये स्टैंडर्ड का फॉर्म आई। ठीक है, आपने इसके MCQs याद करने हैं, और एज अ MCQ शॉर्ट भी आ सकते हैं, और एज अ MCQs में भी इसमें से डू यू नो में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का आपका काम यही है कि आपने IPv6 के डिफरेंसेस भी याद करने हैं, और जो मैंने आपको लाइनें अंडरलाइंस करवाई हैं आप उनको भी याद करेंगे, IPv4 की वाली भी लाइंस और IPv6 की। ठीक है, वो एज अ शॉर्ट और MCQs दोनों आपके पास आ सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।